और इस बीच अहम खबर कानपुर से, जहां सपा विधायक इरफान सोलंकी की जमानत मामले में सुनवाई है आज। इरफान सोलंकी के अग्रिम जमानत पर होगी सुनवाई और आगजनी मामले में जिला कोर्ट में होगी ये सुनवाई। पिछले कई दिनों से फरार चल रहे हैं सपा विधायक। तो कानपुर से बड़ी खबर, जहां सपा विधायक इरफान सोलंकी की जमानत मामले में आज कोर्ट में सुनवाई होनी है। इरफान सोलंकी के अग्रिम जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। आगजनी मामले में जिला जज कोर्ट में ये सुनवाई होगी। और हमारे साथ हमारे सहयोगी कानपुर से इस वक्त श्याम तिवारी जुड़ चुके हैं। श्याम, इरफान सोलंकी के जमानत मामले में आज सुनवाई होनी है, कितने बजे ये हियरिंग होगी, क्या अपडेट्स? देखिए, आपको बता दें कि आज ये सुनवाई होनी है। इसके पहले 24 नवंबर को सुनवाई हुई थी, जिसमें कि पुलिस का जो आयोग है वो मौके पर नहीं पहुंचा था, जिसपे कोर्ट ने ताकीद किया था कि 1 तारीख को पुलिस अपनी तैयारी के साथ आए, वरना ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जो कोर्ट है वो अपना डिसीजन किसी भी पक्ष को दे सकती है। ऐसे में आज पुलिस अपनी पूरी तैयारी के साथ जाएगी, केस डायरी लेकर के जाएगी और अपने साक्ष्य कोर्ट के सामने रखेगी और किस वजह से इरफान सोलंकी को जमानत न दी जाए। वहीं दूसरी तरफ जो इरफान सोलंकी के वकील हैं, उनका कहना यह है कि जो पहला मामला जो दर्ज हुआ था 8 तारीख को, उसमें पुलिस के पास कोई भी ठोस साक्ष्य नहीं है, वो अपने पक्ष को रखेंगे और इसके बाद ये डिसाइड होगा कि उस मामले में पुलिस का पक्ष माना जाता है या फिर वादी पक्ष का पक्ष माना जाता है और इरफान सोलंकी को जमानत मिलती है। आपको बता दें कि 8 तारीख को जब से मुकदमा दर्ज हुआ है तब से इरफान सोलंकी लगातार फरार चल रहे हैं और फरारी के दौरान उन्होंने फर्जी तरीके से यात्रा भी की और गलत आधार कार्ड भी बनवाया। था और अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। हालांकि कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द उन्हें पकड़ा जाए, लेकिन दूसरी तरफ आज कोर्ट में भी इस मामले पर सुनवाई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका श्याम इस जानकारी के लिए। और इस बीच अहम खबर कानपुर से, जहां सपा विधायक इरफान सोलंकी की जमानत मामले में सुनवाई है आज। इरफान सोलंकी के अग्रिम जमानत पर होगी सुनवाई और आगजनी मामले में जिला कोर्ट में होगी ये सुनवाई। पिछले कई दिनों से फरार चल रहे हैं सपा विधायक। तो कानपुर से बड़ी खबर, जहां सपा विधायक इरफान सोलंकी की जमानत मामले में आज कोर्ट में सुनवाई होनी है। इरफान सोलंकी के अग्रिम जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। आगजनी मामले में जिला जज कोर्ट में ये सुनवाई होगी। और हमारे साथ हमारे सहयोगी कानपुर से इस वक्त श्याम तिवारी जुड़ चुके हैं। श्याम, इरफान सोलंकी के जमानत मामले में आज सुनवाई होनी है, कितने बजे ये हियरिंग होगी, क्या अपडेट्स? देखिए, आपको बता दें कि आज ये सुनवाई होनी है। इसके पहले 24 नवंबर को सुनवाई हुई थी, जिसमें कि पुलिस का जो आयोग है वो मौके पर नहीं पहुंचा था, जिसपे कोर्ट ने ताकीद किया था कि 1 तारीख को पुलिस अपनी तैयारी के साथ आए, वरना जो कोर्ट है वो अपना डिसीजन किसी भी पक्ष को दे सकती है। ऐसे में आज पुलिस अपनी पूरी तैयारी के साथ जाएगी, केस डायरी लेकर के जाएगी और अपने साक्ष्य कोर्ट के सामने रखेगी और किस वजह से इरफान सोलंकी को जमानत न दी जाए। वहीं दूसरी तरफ जो इरफान सोलंकी के वकील हैं, उनका कहना यह है कि जो पहला मामला जो दर्ज हुआ था 8 तारीख को, उसमें पुलिस के पास कोई भी ठोस साक्ष्य नहीं है, वो अपने पक्ष को रखेंगे और इसके बाद ये डिसाइड होगा कि उस मामले में पुलिस का पक्ष माना जाता है या फिर वादी पक्ष का पक्ष माना जाता है और इरफान सोलंकी को जमानत मिलती है। आपको बता दें कि 8 तारीख को जब से मुकदमा दर्ज हुआ है तब से इरफान सोलंकी लगातार फरार चल रहे हैं और फरारी के दौरान उन्होंने फर्जी तरीके से यात्रा भी की और गलत आधार कार्ड भी बनवाया। जारी किया गया था और अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। हालांकि कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द उन्हें पकड़ा जाए, लेकिन दूसरी तरफ आज कोर्ट में भी इस मामले पर सुनवाई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका श्याम इस जानकारी के लिए। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।